हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित आर्य। आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल यूट्यूब डे में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो दीनदयाल उपाध्याय का जो भी रिजल्ट आता है आप किस तरह से देख पाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। आपने अगर कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं तो बहुत सारे ऐड आते हैं, आप देख नहीं पाते हैं सही से। और आप कोई भी पेज खोलते हैं तो एक पेज खोलते हैं, फिर उसको डाउन करते हैं, फिर दूसरा पेज खुल जाता है, तो ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी जो मैं इस ट्रिकों में बताने वाला हूँ। आप फटाफट आप देख सकते हैं कोई भी रिजल्ट और आपको पता लग जाएगा कि ये रिजल्ट कब आया है, कब से चालू है। आप इसमें भी देख सकते हैं हर एक चीज़ इसमें दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो ये रेड रंग का जो दिखाई दे रहा है, आप जो सब्सक्राइब लिखा है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगा ये घंटी वाला, इसको भी आप दबा के ऑन कर दीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। जैसे कि मैं अपना एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाई स्टेप देखिएगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आपको इसमें गूगल पे लिखना है DDU। देखिए ऊपर ही ये आ गया, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है DDUGU.ac.in यानी .in। इसके बाद आपको इतना लिखने के बाद इसको एंटर कर देना है और आपको ये सीधे जो मेन वेबसाइट होता है वहाँ पे लेके आएगा DDU। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक ना। तो ये मेन इसका वेबसाइट है। तो इस पर हम आते हैं, नीचे आते हैं धीरे धीरे। देखिए इस पर हर एक चीज़ दिया हुआ है, इस पर हर एक चीज़ आता रहता है कि आपका एडमिशन या फिर कब क्या कैसे क्या चीज़ होने वाला, आपको इसमें आप पढ़ ले सकते हैं। और यहाँ पे आप हेल्प के लिए मतलब लेटेस्ट प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मतलब इसमें मतलब कॉलेज का नंबर आप संपर्क कर सकते हैं और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको जो बताने वाले हैं वो रिजल्ट है। तो मैं आपको आते हैं यहाँ पे, देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट में एडमिशन है, ठीक ना, जो UGPGRET जो है ये एडमिशन का हो गया, ओके। और दूसरा जो हमको देखना है वो रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद ये चार आते हैं जिसमें फर्स्ट ये दिखा रहा है कि क्लिक फॉर रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2018-2019, ठीक है। और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो हम लोग को देखना है कि 2019 का, तो आपको ये जो 2019 पे जो हाईलाइट जो ये न्यू आपको दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो ये जो कोर्स है यानी जो ये विषय है तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला मतलब हर एक विषय का यहाँ पे शायद अब आ गया और अपलोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सब दिखा रहा है कि हाँ ये चीज़ इतने तारीख को ये मतलब अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है अपलोड ऑन, ठीक है। तो आपको इसमें देख लेना है कि कौन कौन से विषय में आ चुका है। और यहाँ पे नीचे भी आप स्क्रॉल करके आप नीचे आ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ ये कौन कौन विषय का अभी तक रिजल्ट आ चुका है, कौन कौन विषय का अभी रिजल्ट नहीं आया है। और आप इसमें सिंपली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट अपना मतलब रोल नंबर कहाँ लिखना है। देखिए इधर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे आपको रोल नंबर सिंपली डालना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा, तो मान लीजिए कि रोल नंबर आपका है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मान लीजिए आपका रोल नंबर हो गया और आपको कैप्चा कोड मिलता है। देखिए ये कैप्चा कोड है तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर देख लिखना है। तो जैसे लिखा है WB SF C, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो सिंपली यहाँ पे सबमिट का जो निशान दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना और आपका रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो ख़त्म होते होते, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी हम लोगों को हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।